आप अपने बुरे वक्त को टालना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पांच ऐसे मंत्र, पांच ऐसे उपाय या पांच ऐसे रामबाण इलाज जो उस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील कर देंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से और समझदारी से देखना है कि किस तरीके से आपका वक्त अच्छे में तब्दील हो जाएगा जो कि सो कॉल्ड बुरा चल रहा है। दोस्तों, आपने अपने आस पड़ोस में, अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को, या फिर आपके साथ भी ऐसी कई बार हुआ होगा कि जब आपको ये लगा होगा कि वक्त बुरा है, लेकिन दोस्तों वक्त बुरा होता है। उस वक्त में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी मेंटल स्टेटस को खराब कर देते हैं और वो बैकवर्ड में चले जाते हैं, 5 से 10 साल पीछे चले जाते हैं। ऐसा करना क्या है? और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बुरे वक्त के आने के बाद वो अपना जीवन ही त्याग देते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही है तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि बुरे वक्त के साथ कैसे डील किया जाए, बुरे वक्त को कैसे टाला जाए। दोस्तों, आज 5 रामबाण इलाज आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि ये आपने कभी पहले सुने भी ना हो, बस सिर्फ शर्त इतनी है कि ध्यान से और एंड तक देखना है। सबसे पहली चीज, हर रात के बाद सुबह आती है, हर दिन के बाद शाम आती है, हर अच्छे के बाद बुरा होता है और बुरे के बाद अच्छा। ये एक सर्कल है आपकी लाइफ का, ये मूव होती रहती है। अगर सदैव आपके साथ अच्छा वक्त चलता रहे, अच्छा होता रहे, तो आपको अपने आप पे घमंड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये फील होने लग जाता है कि मेरे साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। रावण ने भी रामायण के युग में 1,00,000 बार तपस्या करके भगवान शिव से एक वरदान मांग लिया था कि मैं अमर रहूं, और उन्होंने ये वरदान उस रावण को दे भी दे दिया था। लेकिन उसको, रावण को अपनी इस शक्ति पे घमंड ना हो जाए तो उन्होंने एक चीज और बताई थी, जिस चीज का मतलब सिंपल सा ये था कि अगर आपकी नाड़ी में, मतलब पेट में, एक भी तीर लगता है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको इसको बचा करके रखना होगा। सो दोस्तों, कहने का मतलब यह है इस पूरी वाक्य से कि हर बुरी चीज के बाद अच्छी होती है और अच्छी चीज के बाद बुरा होता है, और ये सर्कल चलता रहता है। सबसे पहला मंत्र जो आपको समझना है, जब भी आपको फील हो कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप नीचे की तरफ गिर रहे हो, तो अपने आप को काम कर लो, शांत कर लो। इससे होगा ये कि वो अपना रौद्र रूप तो दिखाएगा, लेकिन आपके कोई भी ना एक्शन की वजह से वो और ज्यादा रौद्र नहीं होगा। आपके साथ परेशानियां चल रही हैं, कुछ वक्त की बात है वो निकल जाएगा, कुछ वक्त की बात है ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त आ जाएगा। जब आप उस अच्छे वक्त में पहुंचोगे तो आप इस अच्छे बुरे वक्त को बहुत याद करके हंसोगे कि काश वो बुरा वक्त नहीं आया होता तो ये अच्छा वक्त नहीं पहुंचता। तो आपको अपने आप को बिल्कुल स्थिर, मौन और बिल्कुल साइलेंट रखना है जब आपके साथ परेशानी चल रही हो। आपको बिल्कुल शांत रहना है, अपने काम से काम रखना है और किसी भी बुरी चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि जब आप रिएक्शन दोगे तो उसका डबल एक्शन आपके ऊपर होगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस वक्त में हमेशा एक लाइन को अपने दिमाग में रख लो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरे साथ, जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है ये सब कुछ एक अच्छी वजह से हो रहा है और वो अच्छी वजह का वेट मुझे करना होगा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका वक्त कमजोर चल रहा हो तो आपको अपना मौन धारण करना है और साइलेंट रहना है, किसी भी बुरी चीज पे कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि रिएक्शन आप नहीं, आपका आने वाला वक्त देगा। दूसरा पॉइंट आपको सिंपल सा है कि आपको हमेशा अपने माइंड में यही रखना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे जितना भी बुरा वक्त हो रहा हो वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जब तक ये बुरा नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, ऐसी स्थिति में नेगेटिव लोगों से दूरियां बना लो।
जिस जिस पे आपको फील होने लग जाए कि ये मेरे बुरे वक्त का कारण बन सकता है, बनता है या बन रहा है, उन सभी नेगेटिव इंसानों से अपने आप को दूर कर लो। जब आप ऐसी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लोगे, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर लोगे, तो आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हाँ अब मेरे बुरे वक्त में थोड़ा सा मार्जिन हो गया कम। और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पॉइंट, अपने आप को साइलेंट रखना है। दूसरा पॉइंट, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। तीसरा पॉइंट, आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखनी है। चौथा पॉइंट, ध्यान से समझना, जब भी आपकी ऐसी कुछ स्थिति चल रही हो तो हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है। आपको समय के साथ सो नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मुझे शांत तो रहना ही चाहिए, लेकिन अपने आप को गुम कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप अपनी लाइफ को ख़त्म करने के मोड पे आ जाओगे। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दिया, आपको शांत रहना है, आपको जोर अच्छे के लिए हो रहा है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, लेकिन अपने माइंड को बंद नहीं करना है, आपको उतना ही अलर्ट और रहना है इन सभी चीज़ों से। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, अपने माइंड स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट आपको हमेशा बहुत पॉजिटिव रखेगा और पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जब इंसान पॉजिटिव रहता है, कभी भी बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लो कि कभी भी आप सुबह उठते हो, अगर आप ये सोच के उठोगे कि यार मैं लेट हो गया, मैं परेशान, मतलब नेगेटिव माइंडसेट से उठोगे तो नेगेटिव रहोगे पूरा दिन, और पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे उठोगे तो पॉजिटिव रहोगे। तो ये पांच पॉइंट आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, और ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके बुरे वक्त में बहुत काम आएगा। और जब वो अच्छा वक्त आएगा तो आप इन पांच पॉइंटों को धन्यवाद कह रहे होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ ही कह रहा हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बोनस पॉइंट आपको लास्ट में एक ही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को गलत बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि जब आप गलत होना स्टार्ट हो जाते हो ना, तो आपका बुरा वक्त बढ़ता चला जाता है। हो सकता है आप किसी स्टेट ऑफ माइंड में गलत हो, किसी पर्सन के लिए आप गलत हो, लेकिन आपको अपने आप को पता होना चाहिए कि आप कितने सही हो और कितने कैसे हो। क्योंकि जब तक आपकी अंतर आत्मा आपके लिए पॉजिटिव गवाही, पॉजिटिव एविडेंस नहीं देगी, तब तक आप अपनी लाइफ में अपने लिए बहुत नेगेटिव रहने वाले हो। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि ये पांच पॉइंट जो मैंने पहले बताए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं मेरी लाइफ को लेकर के। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जिस तरीके से अच्छा वक्त आता है ना, उसी तरीके से बुरा वक्त भी जल्दी जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इसी तरीके की पारिवारिक सिचुएशन से आप परेशान हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको गहराई से अपने सोच को आपके तक ट्रांसफ़र कर सकूं, और आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से इसी चैनल पे विद चलाइए पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।